स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मूवी थ्रिल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए साउथ की टॉप 6 बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवीज लेकर आए हैं, जो हिंदी में डब होकर अवेलेबल हो चुकी हैं। आज की ये सभी मूवीज एक से बढ़कर एक धमाकेदार मूवीज हैं, जो आपको अंत तक हिलने नहीं देंगी और आपके दिमाग को उलझा कर रखेंगी। तो आइए जानते हैं इन मूवीज के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 6 पे जो मूवी है वो है मिसेस सीरियल किलर। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई है। ये क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 4.1 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 65% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है मनोज वाजपेयी, जैकलिन फर्नांडिस के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें जब एक डॉक्टर को चौंकाने वाले सीरियल किलिंग के मामले में जेल भेज दिया जाता है, तो उसकी वफादार पत्नी उसे निर्दोष साबित करने के लिए क्या क्या कर सकती है और किस हद तक जा सकती है, यही सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी बहुत ही बेहतरीन है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 पे जो मूवी है वो है नदवन। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 48% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है गोकुल आनंद, भारत श्रीनिवासन के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें जब कार्तिक को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी उसे एक व्यक्ति के साथ मिलकर धोखा दे रही है, तब वह क्रोधित होकर उसे मारने की योजना बनाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब वह अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला करता है, और तभी उसके घर में चोर घुस जाते हैं। अब आगे क्या होता है कहानी में, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 4 पे जो मूवी है वो है कूरा। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 75% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है वार्थी, कीर्ति आनंद के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें वार्थी चेन्नई के एक परिसर में एक छात्र है, जो एक दिन कॉलेज के पुस्तकालय में एक असाधारण दृश्य देखता है और वहीं से उसका जीवन एक नया मोड़ ले लेता है। अब आगे कहानी में क्या होता है, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 3 पे जो मूवी है वो है पोशंपा। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 95% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है माही गिल, शानी गुप्ता, रागिनी खन्ना के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसकी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने वाली एक माँ के आगे पीछे घूमती है, जो अपनी ही बेटियों को अपहरण कर लूट और सीरियल किलिंग जैसी घिनौनी अपराध की दुनिया में धकेलती है। अब आगे पूरी कहानी क्या है, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 2 पे जो मूवी है वो है हिटलर। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है। ये क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है बाला राजवादी, विजय चैनल के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें अपने जीवन में कोई भी इच्छा न रखने वाला एक अनाथ का जीवन तब उलट पुलट हो जाता है जब आंतरिक षड्यंत्र और कुख्यात माफिया के लोग उसके जिंदगी के लिए खतरा बन जाते हैं। तो अब आगे क्या होता है मूवी में, कैसे वो इन सब का सामना करता है, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 1 पे जो मूवी है वो है नंदी वर्मन। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। ये एक मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 9 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 90% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है सुरेश, रवि, आशा वेंकटेश के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें हजारों साल पहले पल्लव साम्राज्य नंदी वर्मन की मृत्यु गौरा और उसके सहयोगियों को हनुमंतेश्वर मंदिर से खजाना लूटने से रोकने की कोशिश करते वक्त हो गई थी। लेकिन वर्षों बाद मद्रास विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग की एक टीम उसे मंदिर की खुदाई करने के लिए उस स्थान पर पहुँचाती है जो अब मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। एक बार जब उस जगह की खुदाई शुरू हो जाती है तो उसके बाद एक के बाद एक अलौकिक गतिविधियां होने लगती हैं और कई भयानक घटनाएं घटने लगती हैं।
तो अब आगे उस टीम के साथ क्या होगा जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जबरदस्त मूवीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।